This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम इंसाफ के साथ मैं हूं निदा अमीन। नाज़रीन, हर हफ्ते की तरह इस हफ़्ते हम फिर हाज़िर हुए हैं एक नए मौजू के साथ। और इस हफ़्ते हम जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है बुनियादी इंसानी हुकूक पर। मौजू से मुतल्लिक कोई भी सवाल है तो आप हमें लाइव कॉल करके भी शो में शामिल हो सकते हैं। आज इस मौजू से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो आर्टिकल्स हैं, यानी आर्टिकल्स 8 से लेके 28 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, उस पर आज तफसील से बात होगी। और इस पर मज़ीद लीगल अवेयरनेस फराहम करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और PhD रिसर्च स्कॉलर कादिर खान मंदुखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। मंदुखेल साहब, आज के शो की शुरुआत मैं इस सवाल से या इस बात से करना चाहूँगी कि मीडिया ने तो आज इस चीज़ को हाईलाइट किया है, पहले भी करते आए अक्सर, लेकिन स्कूल्स में इस पर क्यों एजुकेशन नहीं दी जाती, क्यों इनकी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती? मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, वैल्यूज़ नहीं बताई जाती हैं, एजुकेशन के राइट्स, ये सब चीज़ें आपको स्कूल में बताई जानी चाहिए। क्योंकि जब तक एक इंसान अपने बेसिक हक से ही नावाकिफ होगा तो वो अपने हक के लिए किस तरह से लड़ेगा? निदा, इत्तफाक है या प्री प्लान का है या जो का है, जिस बुनियादी इंसानी हकूक के ऊपर आज हमारा शो है और हमने स्टार्टिंग में भी एक शो किया था इसके ऊपर, और उसका आर्टिकल 19 ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हक राय का आज़ादी। हक राय का आज़ादी ये है कि मैं कादिर खान मंदुखेल मेरे ख़िलाफ़ और मेरे साथियों के ख़िलाफ़ हैदराबाद में और कराची के दो थानों में, यानी रेलवे पुलिस की तरफ से इंसदादी दहशतगर्दी के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट, यानी प्राइम मिनिस्टर या वज़ीरों के ख़िलाफ़ आपने करप्शन की बातें क्यों की है, FIR दर्ज की है। तो मैं बिज़नेस प्लस की चैनल के तौसत से ये कहना चाह रहा हूँ साद रफ़ीक साहब को कि आप बड़े गैरतमंद आदमी हैं, कोई शक नहीं है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आपके नाक के नीचे आपके बाप के कातिल घूम रहे हैं। मैं कादिर खान मंदुखेल F-48 ब्लॉक 5 क्लिफ्टन में इस वक्त लाइव शो पर बैठा हूँ, आपकी पुलिस भेज दे, मैं गिरफ़्तारी के लिए तैयार हूँ। मैंने दहशतगर्दों के बड़े बड़े मुकदमात का सामने किया है, आपका और बस नहीं चले तो एक सामाजिक कारकुन या मजदूरों की आवाज़ के लिए, आपका वालिद भी एक मज़दूर था, मजदूरों की आवाज़ के लिए जो हुकूक की हमने जंग लड़ी है, लड़ते रहेंगे, ऐसे 1000 मुकदमात और करके देख लें। ये कादिर खान मंदुखेल, ये वर्कर आदमी आपका सामने के हम इसे डरने वाले नहीं हैं। तो शो का मकसद, हम आज के दिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का शिकार, मैं एज ए वकील सुप्रीम कोर्ट या एक रेलवे वर्कर्स यूनियन के सरपरस्त आला या पीपल्स पार्टी के एक वर्कर के हिस्से से ये पहला मुकदमात इंतकामी कार्रवाई, कोई बात नहीं है। हमने बहुत सारे मुकदमात बर्दाश्त किए हैं, हम मज़ीद भी करेंगे, हम इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। पुलिस भेज दे, लाइव शो में 9 बजे तक इधर बैठा हूँ मैं। तो अब सवाल दूसरा आपका ये है कि आर्टिकल 8 से लेके 28 तक जो हमारे आईन पाकिस्तान है, जो 1973 में भुट्टो साहब ने इस आईन की एक मुश्तरका, यानी एक मुत्तफ़िका आईन जो पाकिस्तान कहलाता है, तो वो 1973 का भुट्टो साहब ने जो बनाया है आईन, ये उस वक्त का है। और बीच में मार्शलाओं ने, डिक्टेटर ने उसमें बड़े बड़े उसमें दफात शामिल किए, और उस दफात को ख़त्म करने के लिए भी साबका हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसको ख़त्म किए, जैसा आर्टिकल 62-63 में जो मार्शाला के, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जी, क्या मुसलमान भी नहीं चाहिए। उसी आर्टिकल 62F1 का शिकार खुद नवाज शरीफ साहब हुए, जो कि नायल हुआ है और मज़ीद भी लोग हो रहे हैं उसमें नायल। सवाल ये है कि इस आइन को, इस टोटल 20 आर्टिकल को पढ़ना हर पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन उसका है, और बड़ा आसान है, पहले भी मैं इसका कर चुका हूँ, हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल स्मार्टफोन है, बिल्कुल घर जाके आपको नेटवर्क कंप्यूटर दे जाने की जरूरत नहीं है, उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिख दें तो आपको ये सारी आर्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें स्पेशली जो जिसका शिकार मैं हो चुका हूँ कल रात को,
मजदूरों के हकूक के लिए आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है कि हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को हक है कि वो बोले। राइट, एक तरफ तो मैं आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, पॉलिटिकल शो नहीं करना चाह रहा हूँ, तो किसी, 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 किसी और चैनल पे पॉलिटिकल राय मैं अच्छी तरह दूंगा, ये चूंकि समाजी शो है मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। हक के राय आज़ादी जमहूरी हुकूमत के दौर में ये इस पर पाबंदी है, और वो भी हक क्या, मजदूरों के हकूक के लिए। ठीक है, अगर 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 ये सारी चीज़ें अगर इसके आगे हम पढ़ेंगे, मैं इसको यही अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ सिर्फ इस हवाले से, इसमें बड़ा आसान सा है कि ख़वातीन के हकूक क्या है। इस बड़ा आसान है कि हमारे यहाँ बड़ा एक पॉपुलर आर्टिकल है, आर्टिकल 25 25 बड़ा आसान है, इक्वलिटी यानी मसावी हकूक। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी इस तरह हो, जो हकूक मुझे मिल रहे हैं वो किसी और को मिल रहे हैं, ये एक मसावी हकूक कहते हैं इसको। इसमें कोई, वो कहता है ना जैसा जैसा जो हुजूर की आखिरी खुतबों में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि काले को गोरे पे, गोरे के काले पे कोई फोकियत हासिल नहीं है, बराबर है। इस तरह आईने पाकिस्तान में भी कोई हिंदू सिख मुसलमान कोई भी फिरके का हो वो सब बराबर है, मर्द औरत सब बराबर है उकू के लिए। ये नहीं है कि मर्दों के खिलाफ एफ आई आर काट दी जाए तो औरतों के खिलाफ नहीं, औरतों के खिलाफ हरासमेंट को तो मर्दों के, ये इक्वल इक्वल है। साथ हैं आर्टिकल 25 पे, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से और सवाल क्या है आपका? जी मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, बस मुझे ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो रहा था तो देखने से जो है आ गया, और आपको सवाल ये है कि क्योंकि एक बहुत अजीब सवाल करना चाह रहा हूँ, पता नहीं आपसे पहले हुआ कि नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि अगर जैसे कि फिजिकली जो पेरेंट्स अपने बच्चे को या अपनी औलाद को स्ट्रेस देते हैं तो, और उसको बहुत जो है कि भाई ये करो पढ़ो और है वो बेटे सुना दे तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे किसी मजहब से हो, किसी फिरके से हो, कोई बरादरी से हो। ठीक है, नंबर 1। उसका अगला आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टेड है, वो है 25A। ये नई अमेंडमेंट उसमें है, इसमें आपकी छठी जमात से लेके आपकी यानी 6 साल से लेके 16 साल तक आपको फ्री एजुकेशन होगी। जो जिसका क्या हमारे मुल्क में नामो निशानी नहीं है, हमारे जैसे एजुकेशन तो छोड़िए, मैं तो मैं तो बोल बोल के दग गया। जैसा ये 70 साल में अब एक रमज़ान एक चांद पे हम मुतफिक नहीं हो सके, 70 साल में हम ख्वातीन की यानी एज ऑफ मैरिज चाहे मर्द या लड़की उस पर हम मुतफिक नहीं हो सके, इसी तरह 70 साल में हम एक एजुकेशन सिस्टम लाने में कामयाब नहीं हो सके। हमारे यहाँ मदरसा सिस्टम है, हमारे यहाँ कैम्ब्रिज सिस्टम है, हमारे यहाँ उर्दू मीडियम या पीला स्कूल जिसे कहते हैं वो सिस्टम है। आपको दुनिया के किसी और मुल्क में ये चीज़ें नज़र आएगी? क्या बात है कि हमारे जो कानून साज जो अदारे हैं, चाहे हमारे नेशनल है, प्रोविंशल असम्बली है, सेनेट है, इसके ऊपर उन्होंने क्यों तवज्जो नहीं दिया? यकीनन मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इसको एक जा कर ले कैम्ब्रिज सिस्टम को और मदरसों को, इसमें आपने फ़र्क रखा है, फ़र्क जो आपने रखा है वही चीज़ें वही निसाब वहाँ भी पढ़ाइए, वही एक मुश्तरका बना लेना। फिर गरीब का बच्चा वो पीला स्कूल से अगर बदतर हुआ तो बेचारा मदरसे में पढ़ता होगा, और अमीर आदमी अमीर ज़्यादा नवाबों के और महाराजाओं के जो जो नाम आप दें उनके बेटे पढ़ रहे कैम्ब्रिज में, बल्कि कैम्ब्रिज भी नहीं पाकिस्तान से बाहर। तो ये फ़र्क ख़त्म होने चाहिए, एक एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए। और एक हम जो सवाल हमारा है कि फ्री एजुकेशन तो दूर की बात है, यहाँ तो इक्वल एजुकेशन नहीं है। अगर इसी से एक सेक्शन पहले हम चले जाएं 25 का, तो 25 तो मसावी कहता है, तो अगला कहता है कि आप फ्री कर दे, तो फ्री कहाँ से देंगे, आप तो मसावी दे नहीं रहे हो। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहे हैं और अमीर का बच्चा कहाँ पढ़ रहे हैं? एक लाइव कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वो एक्चुअली आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, मैं वापस अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर जब ये सारी बातें आती हैं टुडेस टॉपिक ह्यूमन राइट्स, तो मैं उसके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि जब वालदैन अपने बच्चों को हरेस करते हैं फिजिकली नॉट अंदर मेंटली जो हरेस करते हैं, यानी कि ये करो वो करो प्रेशराइज करते हैं, या बड़ा होने के बाद बच्चों को बिल्कुल हकूक नहीं देते हैं, ना अपने पैसों में से कुछ देते हैं, बिल्कुल
अजीब बिहेवियर रखते हैं अपने बच्चों के साथ, क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन में आता है या नहीं आता है? जी बहुत शुक्रिया। देखो इसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क है। अर्गिज़ में इस माशरे की हिमायत नहीं करूँगा जो मगरब में, आप बच्चे को थप्पड़ मारे और बच्चा सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाए। इसी वजह से यूरोप में लोगों ने शादियाँ छोड़ दी है, औलाद को क्या करना है, औलाद को पालो, खर्चे वर्चे सब दो और उसके बाद वो एक हल्का सा गुस्सा दिखाए तो वो करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे को टार्चर करना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ बच्चे को बिला वजह थप्पड़ मारना चाहिए, मगर अगर बच्चा गलत कर ले तो थप्पड़ ज़रूर मारना चाहिए, ज़रूर इस वजह से मारना चाहिए कि उसको थोड़ा सा डर खौफ ही होना चाहिए। अगर बच्चे को बिल्कुल आप फ्री छोड़ दिए, फ्री माशरा, आपको देखो हम अंग्रेज़ नहीं हैं, हम मशरकी माशरे में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, और फिर ये जो पूरा आसपास जो कल्चर है इस हवाले से, हम एकदम रातों रात अगर हम अंग्रेज़ बनने की कोशिश करेंगे तो हम अपना कल्चर भी भूल जाएंगे, अपनी दीन भूल जाएंगे। और इसी का अगर आपने अशर देखना है तो जाइए मगरब में, बच्चे को थप्पड़ लगाई नहीं है पुलिस बाहर खड़ी, आपने कैसे मार दिया बच्चे को? मैं तशद्दुद की बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होनी, बच्चों को बिला वजह बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे पिछले दिनों में एक वीडियो जो शेयर हुई है, वायरल हुई है, उसमें एक छोटी बच्ची को ज़बरदस्ती पढ़ा के, वो मैं उसकी भी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, बच्चों से इंतहाई प्यार करो, मगर अब बच्चा अगर गलत कर ले तो उसको डांटना भी चाहिए, इस वजह से ताकि बच्चा है उसको इतनी अकल नहीं है, अगर आप उसको नहीं डांटेंगे तो कल फिर गलती करेगा, फिर कोई गलत काम करेगा। तो यही वालदेन का फ़र्ज़ है, ये मेरे हिसाब से बहसीत सोशल वर्कर ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में नहीं आते। एक वालदेन अगर बच्चे को एक थप्पड़ मार दिए तो उसकी बेहतरी के लिए मार रहे हैं, अगर बच्चे को डांट दिए तो उसको बेहतरी के लिए डांट रहे हैं, बिला वजह अगर डांटे बिला वजह मारे तो जारी बेहतर मैं कहता हूँ फिर वालदेन ही नहीं हुए, ह्यूमन राइट्स तो वायलेशन की दूर की बात है, मैं तो फिर उसको वालदेन ही नहीं समझता हूँ अगर अपने बच्चों पर वो टॉर्चर करें। दुखल साहब एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी जी कौन बात कर रहा है, कहाँ से और सवाल बताइए अपना। हाँ सवाल तो मेरा कोई नहीं है, मगर आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर कोई आता है तो मैं फिर 12 बजे देखती हूँ ना, मैं 8 बजे देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया के साथ साथ आप कोई सवाल जहन में तो वो भी बता दें, और हमें कोई टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकती हो जो दूसरे व्यूवर्स हैं कि क्या टॉपिक पे हमें डिस्कस करना चाहिए, कानूनी जो अवेयरनेस है, लीगल अवेयरनेस है, तो आप हमें मदद कर ले, हमें असिस्ट कर ले, हम आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आपकी आवाज कट रही है, चलें कोई बात नहीं, शुक्रिया, हम उसको ममनून मशकूर हैं कि लोग प्रोग्राम देखते भी है, और हमारी कोशिश भी होती है कि हम ज्यादा कानूनी अल्फाज भी इस्तेमाल ना करें ताकि लोगों की ज्यादा अंग्रेजी भी ना जाड़े, और सलीस उर्दू में जो हमारी कौमी जबान है उसमें हम समझाने की, जो सब तमाम पाकिस्तान के कौमे हैं उनको उर्दू आती है और समझते हैं, तो आसान जबान में इस वजह से हम बात करते हैं ताकि लोगों को समझ, छोटे छोटे जो मसाइल है हमने बहुत सारे डिस्कस किए, चाहे फैमिली के केसेस हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे हरासमेंट हो, चाहे प्रॉपर्टी को, कोई भी टॉपिक हमने अल्लाह के फजल से हमने छोड़ा नहीं है, फिर भी जो देखने वाला है उनके जहन में अगर कोई टॉपिक इस तरह है तो आप जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं तो हमें कॉल करके, हमारे प्रोड्यूसर साहब को, हमें ये ईमेल जो भी एड्रेस आपको स्क्रीन पे या उसके अलग से आपको मालूम है बिजनेस प्लस का, तो आप हमें तजवीज़ दे सकते हैं, हम उन्हीं के ऊपर ज़रूर गुफ्तगु करेंगे। मंदखल साहब माशरे की जहाँ तक बात करें तो अब ऑनर किलिंग्स की तरफ भी मैं आना चाहूँगी कि आपके पास जब हर चीज़ का फ्रीडम है तो फिर ये गैरत के नाम पर मार देना, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ख़ासतौर से ख़वातीन जो है वो काफ़ी शिकार हैं, हर महीने इस तरह के केसेस रजिस्टर होते हैं कि गैरत के नाम पर मार देना, ऑनर किलिंग्स, और अभी कंदील बलोच का केस काफ़ी फेमस अभी चल भी रहा है, बल्कि एंड नहीं हुआ उसका अभी तक कुछ। देखिए सिर्फ एक जुमले से मुज़म्मत करना मैं इसको काफ़ी नहीं समझता हूँ, सिर्फ ये बात करने के कि अफसोस है इसको मैं काफ़ी नहीं समझता हूँ, ये होता क्यों है और ये रुकता क्यों नहीं है, तेज़ाब के केसेस होते क्यों हैं, रोज रुकते क्यों नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि मुलजिमों को सज़ा नहीं मिल रही। बिल्कुल आप मुझे बताओ हॉनर किलिंग का ये एंड क्या होता है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज़। बिल्कुल, और कंदील बलोच का आपने जिक्र किया, इसका एंड भी कम्प्रोमाइज़ है, लिख ले शो आज की तारीख नोट करके और देखेंगे इसका एंड कम्प्रोमाइज़ को कितना टाइम हो गया अभी तक, क्योंकि इस वजह से कम्प्रोमाइज़ है कि कंदील बलोच का कातिल उसका अपना ही भाई है अपने ही होते हैं गैरत के नाम पे मार देने वाले, अपने ही बाप भाई होते हैं। अब जब अपना ही है तो उनके जो बूढ़े वालदेन है वो कब तक को प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त करेंगे दूसरे भाइयों का, क्योंकि सारे भाई तो मुत्तफ़िक़ थे एज पर मीडिया रिपोर्ट, तो जब सारे मुत्तफ़िक़ थे और वो बुजुर्ग वालदेन है वो कब तक स्टैंड करेंगे, कभी नहीं करेंगे, अभी तो ऐसा तो शिफ्ट करें कि वो मुफ्ती
कवि की वजह से जो है ना वो मारा और ये वो, तो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर। तो सवाल ये है कि ऐसे मुकदमात का एंड कम्प्रोमाइज इस वजह से होता है कि लोग माशरे में प्रेशर डालते हैं, और कंप्लेंट कौन होता है? अपना ही बाप। तो अपने ही बेटे को क्या सजा मौत दिलाएगा? कभी भी नहीं, आर्गेज नहीं। इसी तरह हॉनर किलिंग की आपने बात की, इस वजह से वो क्योंकि एक ही घर का होता है। मारता कौन है? अपनी बेटी को, अपनी बहन को। और फिर उसके बाद केस किसने चलाना है? उसी ने चलाना है। मुलजिम भी उसी घर में, मुदई भी उसी घर में। तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है ये प्रैक्टिकली, इस वजह से पॉसिबल। अच्छा, फिर कभी कभार हम अदालतों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अदालत फैसला नहीं करती। ज़रूर कानूनी पेचीदगियाँ, डिले, ये सब चीज़ वो है जिसके मैं निशानदेही भी कर रहा हूँ। मैं उसको 100% वो नहीं समझ रहा हूँ कि सब अच्छा चल रहा है, कभी भी नहीं कहूँगा। लेकिन साथ साथ ये कि अगर कोई कमज़ोर एविडेंस हो, अगर मुदई खुद भाग जाए, अगर विटनेस खुद भाग जाए, तो अदालत क्या करेगी? प्रोसिक्यूशन क्या करेगी? इस पर वापस आते हैं। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, मैं नसरीन हसन बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जी नसरीन, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे वकील साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बात करें प्लीज। जी सर, मसला ये है कि हमारी जमीनें टंडोलियार में है। जी जी जी, हर चीज हमारे नाम है, हर चीज हमारे उसमें, लेकिन वो मुख्तार कर जो वहाँ का है ना, वो साइन नहीं कर रहा है सर्टिफिकेट पे। देखिए, वो साइन तो मैं आपको लाइव शो में क्या मशवरा दूं, तो साइन तो इस वजह नहीं करेगा, पैसे मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। हाँ, आप रिश्वत और आप रिश्वत नहीं देंगे तो केस वो बिगाड़ेगा। आप बोलेंगे रिश्वत ले रहे हैं तो उसको कोई साबित कर नहीं सकेगा। तो ये तो एक फैक्ट है ना, इसको आप अगर शिकायत करेंगे, मेरे हिसाब से इससे जो ऊपर अफसरान आए, आपने जब यहाँ ज़हमत की टेलीफोन का, इसका हल मेरे पास तो नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कोई टीवी चैनल बिजनेस प्लस देख रहा है तो थोड़ी बहुत आप शर्म करें, थोड़ी सी हया कर लें, थोड़ी सी ये लोगों का जो वो है वो उसको आप देख लें। लेकिन बाला अफसरान को आप दरख्वास्त दे दें कि मेरे ये जेन्युइन केस है और मुख्तियारकार जो है ना वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर होता है, उसके ऊपर जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है, ये सारे लोग, उनको आप दरख्वास्त दे दें आपका जेन्युइन केस है। और यकीनन आपने हमारी प्रोग्राम की तौसे से बात की तो ज़रूर इनको भी लोग देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। और इसी तरह आप लोग अवेयरनेस देते रहेंगे, इसी तरह आप नाम लेते रहेंगे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि करप्शन और ये लाकानूनियत इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन हमारे मुल्क से ख़त्म होगा। मंदुखल साहब, प्रॉपर्टी की इन्होंने बात की तो हम आर्टिकल 23-24 को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो इस बारे में भी आप हमें बताएं आर्टिकल 23 और 24 के हवाले से कि ये देखें इसमें क्या हकूक देखें है? इसके लिए भी कानून मौजूद है। कानून यूँ मौजूद है कि अगर कोई दो पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए सिविल कोर्ट है, यानी जो सिविल सूट हम कहते हैं। अगर कोई बंदा या कोई इंसान, कोई भी बंदा पाकिस्तानी हो और वो आपकी ज़मीन पर, आपके मकान पर काबिज़ है, तो उसके लिए इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 में आ चुका है, और उसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है ना वो 10 साल तक सज़ा है। और बड़ा आसान सा केस है कि आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा किया है, आप सीधे जाके थाने में दरख्वास्त दें। अगर आपकी FIR कट गई, थाने वालों ने कोई थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी है, मैं आसान खूबसूरत अल्फाज में बात करूँ, उन्होंने हिम्मत दिखा दी है, तो वो बंदा अरेस्ट भी हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो खाली भी हो जाएगी। और अगर वो नहीं करते हैं तो यही दो पेज की दरख्वास्त आप इलीगल डिस्पोजिशन, आप मुतलका जो आपका मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वहाँ दाखिल कर दें। आपका बयान होने के बाद दो आपके गवाहों का बयान होगा, ये उसको सेक्शन 200 कम केस कहते हैं, उसको 200 के तहत उनका बयान होगा, गवाह के बयानातों के 202 के तहत। उसके बाद वो जज साहब वो मुतलका पुलिस स्टेशन को भेजेगा, 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट मांगेगा। रिपोर्ट जो भी आ जाए, कोर्ट जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट से मुतिक, रिपोर्ट उनके अगेंस्ट भी आ गया तो कोर्ट देखेगी आया ये जो कंप्लेनेंट है, खातून है, मर्द है, जो भी, वो क्या कह रहे हैं, उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स है क्या है। पुलिस अवल तो यकीनन पुलिस भी फैक्ट बताएगी, अगर किसी केस में पुलिस उसकी साइड लेती है जो काबिज़ है, जो तकरीबन ज़्यादातर लेते हैं, क्योंकि पुलिस के हमारे एक कल्चर तो रहे ना, अच्छे लोग मौजूद हैं, मैं सबको गलत नहीं कहता हूँ, अच्छे लोग मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर मेजॉरिटी करप्ट लोगों की है, मैं बार बार कहता हूँ। तो उस हवाले से रिपोर्ट पुलिस का उसकी अगेंस्ट आना भी, जो मुतलका कोर्ट है, मजिस्ट्रेट साहब है, वो उसे मुतफिक होना ज़रूरी है। अगर मजिस्ट्रेट साहब इनकी आर्गूमेंट से मुतफिक हो गए कि ये इसके जो प्लॉट है या उस पर कब्ज़ा फलां फलां ने किए है और वो सारी चीज़ें आ गई है, तो वो उसको बेलेबल वारंट इशू करेंगे।
वारंट ये केस इसी तरह चलेगा, ये केस इसी तरह चलेगा जैसे आम एक क्रिमिनल केस चलता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि क्रिमिनल में लोग अरेस्ट होते हैं, इसमें अरेस्ट नहीं होते, बेलबल वारंट ठीक है। इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग बिजनेस प्लस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, और आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है बुनियादी इंसानी हकूक पर। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें लाइव कॉल करके भी शो में शामिल हो सकते हैं। मंदुखेल साहब, आर्टिकल 13 की तरफ आना चाहूँगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी है कि आप एक इंसान को दो दफ़ा पनिशमेंट नहीं दे सकते, दो दफ़ा सज़ा नहीं दे सकते एक ही जुर्म में। यकीनन आर्टिकल 13 के मुताबिक आप दोहरी सज़ा, जिसको डबल पनिशमेंट इंग्लिश में, उर्दू में करेंगे दोहरी सज़ा, आईनी पाकिस्तान के रूह से आप किसी शख्स को एक ही जुर्म में दो सज़ा अपनी दे सकते हो। और इसी तरह इस्लाम भी ये कहता है कि आप दोहरी सज़ा नहीं दे सकते हो, दोहरी सज़ा एक जुर्म में दो सज़ा नहीं दे सकते हैं। इसका एक केस 1999 में कुछ 200 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें अमरीका, यूनाइटेड नेशन और दुनिया भर के कैदी थे, जो जिनको नारकोटिक्स में एक्साइज डिपार्टमेंट ने पकड़ा, ये जो चर्च वगैरह है उसके उसमें, तो उनको सज़ाई भी हो गई है, केस भी चल गया। उसके बाद फिर दोबारा से इन लोगों के ख़िलाफ़ जो एंटी नारकोटिक्स जो अदालतें बन गई, दोबारा उन्हों को पेश कर दिया। तो उस वक्त मैंने सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, और सिंध कोई लगभग 200 लोग थे, 201 या 202 ऐसे लोग थे। तो उस एक पिटीशन के तहत, क्योंकि जब कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगा लिया है कि ऑलरेडी ये बेचारे सज़ा भुगत चुका है, यानी एक अगर मुजरिम है तो आप उसको, आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको आप फ्री छोड़ दें, उसको सज़ा दें, मगर जितना जुर्म के उससे ज़्यादा तो सज़ा नहीं दे सकते हो आप। मतलब जुर्म उसने किए एक, जिस सेक्शन में उसने जो जुर्म किया उसकी सज़ा एक साल है, तो आप उसको एक साल पाँच दिन भी नहीं रख और सकते। इस जुमरे में हम आर्टिकल 10A को भी ले सकते हैं, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, जिसमें हाँ, वो भी इसके साथ, सही कह रहे हो आप, वो इसके साथ बेच यूँ कर रहे हैं कि बेसिकली जो आर्टिकल 10 है वो फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल की स्टार्टिंग की होती है। जैसे फेयर ट्रायल है जो इस वक्त जो हमारे बड़े नामी गिरामी जो पोलिटिकल केसेस चल रहे हैं, तो वो तो खैर फेयर ट्रायल से भी ज्यादा उनको बेनिफिट मिल रहा है। मकसद ये कि लाज़मी आपको सुना जाएगा सजा देने से पहले। नहीं नहीं नहीं, उसका फेयर ट्रायल का मकसद ये है कि आपको अपनी वकील तक एक्सेस देना, ठीक है, आपको जानवरों की तरह कसीर की अदालत में ना लाना, ठीक है, आपको जो रिमाइंड के वक्त उससे आपके साथ इंसानी सलूक करना, जानवरों जैसा सलूक नहीं करना, ठीक है, और आपके लवाकीन से या आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी आप तक एक्सेस, आपसे मिलना, मतलब जेल में आप जाएँ, थाने में जाएँ तो आपकी मुलाकात हो उनसे, और फिर उसके अलावा जो खाने छाने की जो चीज़ें हैं, जारी बात है कि आपने भूखा प्यासा रखा है वो भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फेयर ट्रायल, और फिर जो मुकदमा है उस मुकदमा का फेयर ट्रायल, उसको इस पर जो पाकिस्तानी कानून है उसके मुताबिक आपने उसकी बाकायदा उसकी ट्रायल करना, ठीक है, कोई ऐसा नहीं अनोखी चीज़ें भी तो आपने नहीं डालनी है ना, आपने जो ट्रायल करनी है तो भी आपने बिल्कुल कानून के मुताबिक। तो ये सारे फेयर ट्रायल में आ रहे हैं। ये जो आपने इनके साथ कनेक्ट कर दी, यकीनन ये इसके साथ भी कनेक्ट यूँ हो सकता है कि अगर एक मुलजिम ने जो जुर्म किया उसको सज़ा मिल गई, उसके बाद आप किसी और जुर्म में उसको कैसे सज़ा दे सकते हो। राइट, मिसाल के तौर पर इसने बकरी चोरी की है और उसकी सज़ा उनको हो गई है 6 महीने, आपने 6 महीने उस बेचारे ने सज़ा भी काट दी, फिर आपने उठा के फिर किसी और अदालत में कर दिया, तो आप कैसे करेंगे, सज़ा तो वो भुगत चुका है। तो जब सज़ा भुगत चुका है तो आप उसको दूसरे, यानी उसी सेम ऑफिस पे, हाँ कोई अगर मुकदमा दूसरा हो, कोई और को डकैती, कोई और को, या कोई और चोरी हो, यहाँ बकरी का चोरी हो, वहाँ भैंस चोरी हो, तो ये मुकदमा अगर अलग अलग है तो ज़रूर उसमें उसकी, अगर जब तक उसकी, अगर वो जेल में पड़ा रहा और उसका केस नहीं चला तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट उसकी सज़ा काउंट की जब उसका ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद हाँ कभी कभार 382B का बेनिफिट, जो हमारे सेक्शन है 382B, उसके बाज़ औक़ात हमारे जजेस साहिबान उसका बेनिफिट देते हैं। वो बेनिफिट ये है कि मिसाल के तौर पे, वही मैं मिसाल बकरी चोर का दे दूँ, कि अगर उसने बकरी चोरी की है और उसने 6 महीने जेल में गुजार दी, उसका केस चला नहीं है, फिर जब उसके 6 या केस चलाते चलाते उसके 6 महीने गुजर गए, तो ये फिर अदालत को इख्तियार है कि वो उसकी सज़ा उस दिन से काउंट कर ले
जिस दिन से अरेस्ट हुआ, यानी 6 महीने हो गए, आज उसको सज़ा सुना दी 6 महीने का और आज ही यानी कल बरी हो गए, तो ऐसा भी होता है 382B कहते हैं। साहब यहाँ पे आर्टिकल 10 के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 24 घंटे से ज़्यादा आप एक शख्स को हिरासत में नहीं रख सकते, लेकिन उससे पहले एक लाइव कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, शायद आप दोबारा कॉल ट्राई कर सकते हैं। आर्टिकल 10A जो है उससे पहले 10, उसकी भी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जैसा आपने कहा कि 24 घंटे, तो एक अगर थाने ने किसी को अरेस्ट कर दिए मुलजिम को, तो उस मुलजिम को वो 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी थोड़ी सी इलीगलिटी ये होती है या जुल्म को पुलिस की तरफ से वो ये होती है कि वो एक बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं और उसकी एफ आई आर काटते नहीं है, क्योंकि अगर एफ आई आर काट दे तो उसकी 24 घंटे मजिस्ट्रेट पूछेगा कि आपने परसों एफ आई आर काटी, आज कैसे पेश की आपने, तो वो बग़ैर किसी इंदराज को उसको थाने में रखते हैं, एक महीना महीने भी रखते हैं, 20 दिन भी रखते हैं। और इस हवाले से भी कानून मौजूद है, अगर उसकी लवाकिन को पता चल जाए कि मेरे बेटे भाई को फलां थाने ने जो है ना उसको अरेस्ट किया है और कोई एफ आई आर भी दर्ज नहीं किया है, तो वो मुतलका जो सेशन जज है जिसको जिसको ह्यूमन राइट्स डायरेक्टर का भी एक दर्जा दिया गया है पाकिस्तान के कानून ने, तो उसको दरख्वास्त दे के वो क्या करेगा, जो जज साहब है वो किसी भी मजिस्ट्रेट को तैनात करके जाके उस थाने पे छापा मारेगा। अगर थाने पे छापा मार दिए, जो कि कई मरतबा मार चुके हैं, ये प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी, अगर थाने पे छापा मार दिए और वो जो मुलजिम है, ये वो गरीब अभी तक मुलजिम तो बना ही नहीं होगा क्योंकि फायर तो करने नहीं, अगर वो बेगुनाह शख्स अगर वो थाने से बरामद हो गया, न सिर्फ वो जारी बात है उस वक्त बरी होगा बल्कि थाने के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कानूनी कार्रवाई होती आ रही है, तो ये एक चीज़ होती है, तो ये भी कानून मौजूद है। लेकिन इसमें पुलिस वाले बहुत सारी औकात इसकी 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 ये चालाकी ये करते हैं कि वो थाने में नहीं रखते हैं, प्राइवेट तौर पे बहुत सारी पुलिस अफसरान के, पुलिस SHO के, उनकी प्राइवेट एक टॉर्चर सेल होता है कि ऐसे मुलजिमान को थाने में नहीं, कि उनको पता है कि थाने में अगर छापा मारा गया, मजिस्ट्रेट आ गया तो हमारी शामत है, तो वो प्राइवेट जो टॉर्चर सेल उसमें रखते हैं। ये भी एक बात है जो कि नहीं होना चाहिए बदकिस्मती से। मंदखिल साहब, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ भी आऊँगी, एसोसिएशन किस से मुराद, जैसे आप लॉयर्स की एसोसिएशन है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इससे मुराद? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन भी एक अलग है। एसोसिएशन वो भी होते हैं कि आप एक मोहल्ले में रहते हो तो आप अपने जो आपकी जो अपार्टमेंट है, जो बेंगलोर है, उसकी भी एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन ये भी होती है कि आपकी बरादरी है, मिसाल के तौर जैसा मैं मंदोखेल हूँ तो हमारा भी एक एसोसिएशन है, और ऑलरेडी हमारा एसोसिएशन है भी है गुफ्तगू से, कि हमारे एक एम्बुलेंस सर्विस है बाकायदा जो फौदगी वगैरह थे तो वो मुफ्त वहाँ पे जो हमारे जोब इलाका है वहाँ ले जाते हैं, और जो बरादरी वैसे और बहुत सारी बरादरी के और भी बरादरी का मुख्तलिफ बरादरी का इस तरह एक एसोसिएशन बनी हुई थी है, जिसको आप वेलफेयर एसोसिएशन को या सिर्फ एसोसिएशन को, अपार्टमेंट का एसोसिएशन होता है, फिर वेलफेयर होता है, जैसा एक वेलफेयर मैं भी चला रहा हूँ जो फ्री लीगल हम दे रहे हैं, लीगल एड हम दे रहे हैं, तो इस तरह एसोसिएशन है, तो इस सेशन के रजिस्ट्रेशन की फिर मुख्तलिफ वो है, उसके ऊपर किसी दिन तफसील से बात कर लेंगे कि वेलफेयर ट्रस्ट अलग रजिस्टर क्या रजिस्टर्ड होता है, जो अपार्टमेंट वगैरह बेंगलोर के एसोसिएशन है वो एक अलग जगह पे रह रही है, जो वेलफेयर एसोसिएशन है जैसे हमारा ट्रस्ट है वो अलग जगह रजिस्टर्ड होती है। लेकिन एसोसिएशन में, ट्रस्ट में तो इलेक्शन नहीं होता है, मगर एसोसिएशन में ये होता है कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन कराना पड़ेगा मेम्बरांस के बीच में, फिर उसमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी जो मुंतखब कर ले, तो ये है, इसके ऊपर पाबंदी न होती है, न होनी चाहिए, और आईन का हिस्सा है हमारा। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बात कर रहा है, कहां से? बीबी, मैं बीबी अत्तबा से बोल रहा हूँ जी, सवाल आपका नर्स कर रहा हूँ। मैं काफी वक्त से मेरे बच्चे, मेरी कुछ जमीनें जो है वो मेरे जमींदारों के कब्जे में, वकीलों के साथ अगर हम केस वगैरह करते हैं तो 5 और 10 साल और 15 साल तक चलते रहते हैं, और उसका जब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो मजबूर नौकर हम केस को खत्म ही कर देते हैं। मुझे आप कोई ऐसा रास्ता कानून का बताएं जो मेरा अगर जायज हक हो, मैं उसका कानूनी मालिक हूँ, तो आप उसमें मेरी मदद करें, क्योंकि आप वकीलों की तरफ जाएं, क्योंकि वकीलों की भी उसमें अपनी फीस होते हैं तो वो भी आपको सही रास्ता नहीं दिखाते, तो मेरे बच्चे मुझे कोई सही रास्ता दिखाए बेसियत एक पाकिस्तानी के, तो कि मुझे मेरे लिए आसानी आप पैदा करें। जी, बहुत शुक्रिया। ये भी तारीख पे तारीख से बाकी लोगों की तरह परेशान है कि तारीख पे तारीख।
अच्छा एक बात तो ये है कि वकील मैं भी हूँ, मशवरे भी दे रहा हूँ। वकील यकीनन वकील के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो केस को तेज़ चला है या तारीख पे तारीख ले, लेकिन बुनियादी तौर पे वकील अदालतों को असिस्ट करते हैं, ऑफिसर अब भी कोर्ट कहलाते हैं। एक आपका वकील हो, एक मुखालिफ वकील हो, लेकिन जो मुनसिफ है जिसको हम जज साहब कहते हैं, ये उसके हाथ में होता है। वो चाहे तो स्पीड से चलाए, चाहे तो वकीलों की बातों में आके, सारी बातें वकील की कोशिश होगी, आपकी वकील की कोशिश होगी जल्दी चला ले, मुखालिफ वकील की कोशिश हो जल्दी ना चला है, तो ये फिर कोर्ट के ऊपर, जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको लंबी तारीखें दें या जल्दी से जल्दी चलाएँ। और इसके लिए एक जुडिशल पॉलिसी भी बनी थी और जो कि बुरी तरह से मेरे हिसाब से नाकाम हो चुकी है, उसमें एक टाइम फ्रेम दिया गया है। अगर मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रोग्राम की तवज्जो से, अगर तमाम मुकदमा चाहे कत्ल को, चाहे प्रॉपर्टी को, चाहे हरासमेंट को, चाहे मामूली झगड़े को, उसका अगर टाइम फ्रेम अगर दिया जाए कि 6 महीने 2 महीने, जो कि ऑलरेडी एक फार्मूला बन चुका है, अगर ये तय हो जाए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो लड़ाई झगड़ा है वो भी कम हो जाएंगे। और फिर इससे पहले निदा, जो आपने सवाल किया था कि ये मुकदमात अगर ये जैसा आपने ऑनर किलिंग की बात की है या और कत्ल गारत की बात की है, तो इसका वजह बुनियादी तौर भी ये है कि बंदा मुदई या उसके गवाह ये अदालत जा जा के बेचारे आखिर में तक जाता है, बोले छोड़ो भाई इस चीज़ से, जब आप इतना धक्के खा रहे हैं तो चलो बेहतर है, दो पैसे मिल रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर ले। तो ये सिर्फ इस वजह से कि हमारे यहाँ स्पीडी ट्रायल नहीं है। स्पीडी ट्रायल जो 20 नुकात यानी 20 पॉइंट जो नेशनल एक्शन प्लान का था, तो उस के ऊपर अगर अमल दरामद सही तरह से हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी और लैंड ऑर्डर का सूरत हाल इस तरह रहेगा। यकीनन उसमें बेहतरी नहीं बल्कि ख़त्म हो सकती है और ये कोई अनोखी बात नहीं है, मगर बदकिस्मती से नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं है। एक लाइव कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम जी। सर जी, मैं ये आपसे पूछना था, मेरी 1 साल पहले चोरी हुई थी सर जी, तो गांव का बंदा ने रोक दिया था पर्चा करने के लिए, जब पर्चा नहीं करना हम फैसला करेंगे, तो मेरा फैसला होया नहीं अभी तक, कभी पर्चा हो सकता है या नहीं हो सकता सर जी? बहुत शुक्रिया। जिरगा सिस्टम की बात करें, देखिये ये भी एक बदकिस्मती है कि किसी ने उसको डॉज दे के या किसी ने बेबसी से इस केस को लिंगर ऑन कर दिया है। मैं नहीं कहता हूँ कि उसने डॉज दिया होगा, हो सकता है उसकी बस में ना हो, उसने कोशिश की होगी कंप्रोमाइज़ करने की मगर वो नाकाम हो गया होगा, लेकिन वो कानूनी हक मेरे हिसाब से मुकम्मल खो जाना मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। वजह यह है कि 1 साल पहले आप क्या शो करेंगे, आज अब FIR के ले जाएंगे मेरी चोरी हो गई है तो उसको कौन मानेगा? फिर उसमें जो कानूनी पेचीदगी है FIR में, पहला एज ए वकील जब हम पॉइंट लिखाते हैं, हम ये कहते हैं ये फलाना वाकया हुआ है, ये FIR 2 दिन बाद क्यों काटी गई, 2 दिन तक वो क्या सोचता रहा, क्या मशवरे करता रहा? एक जो वाकया हो जाता है तो FIR फौरी तौर पर होता है और उसकी उसमें बड़ी जान होती है। उसमें जान यूँ होती है कि उसमें आपकी प्लानिंग शामिल नहीं होती है, एक कुदरती चीज़ होती है कि आपके साथ एक हादसा हुआ और आप फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अब अगर चोरी हो गई है और आप साल गुजर गए, जो बात हमने हाँ में कही है कि किसी आदमी ने कहा कि मैं फैसला कराऊंगा, इसको अदालत तो नहीं मानेगी। और उसमें जो मुखालिफ पार्टी है वो ये बोलेंगे नहीं झूठा है, ये ब्लैकमेलिंग करे, साल पहले की बात है। हालांकि जेन्युइन केस होगा, लेकिन इस हवाले से फिर भी अगर मैं कहता हूँ कि चोरी की अगर कुछ इस तरह सबूत मौजूद है तो आप थाने में FIR कटाने की कोशिश करें। अगर आपकी FIR नहीं कट रहो तो 22A यानी 22A की पिटीशन आप मुतलका सेशन कोर्ट में दाखिल करें। अगर वो भी उसमें भी आप नाकाम होते हैं या आपकी FIR नहीं करते, तो आप प्राइवेट कंप्लेंट में जा सकते हो कि आप प्राइवेट कंप्लेंट सेक्शन 200 के तहत, CRPC के तहत आप किसी भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में या सेशन का सेक्शन है तो वहाँ आप एक केस जैसा 2-4 पेज के आप बना के जिसमें सारी स्टोरी आप लिखेंगे और उसमें आपका बयान होगा, फिर आपके 2 गवाहों के बयान होगा, उसके बाद फिर ये पुलिस स्टेशन को अगेन उस तरह 15 दिन के लिए भेज दें। प्रोसेस वही है जो इलीगल डिस्पोजिशन का मैंने आपको बताया, वहाँ से जब रिपोर्ट आ जाए वो आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट हो, तो फिर कोर्ट को ये देखना है कि आखिर इस केस में जान है कि नहीं। अगर इस केस में जान आए तो उनके अवेलेबल वारंट इशू हो सकते हैं और प्रोसेस उसी तरह होगा जैसे कि FIR का होता है। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हमने कोशिश पूरी की कि हम सब आर्टिकल्स को आज डिस्कस कर सके, आर्टिकल के साथ साथ कानून भी तो बता रहे हैं, केस के सेक्शन भी बता रहे हैं। अच्छा, मैं आखिर में आपसे अवाम की अवेयरनेस के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जरूर पूछना चाहूंगी कि अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए निदा, मैं सब जगह ये कहता हूँ कि 20 आर्टिकल है टोटल, आपको कोई आईने पाकिस्तान की किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। गूगल पे आप चले जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, आप ये डाल दें, आपको ये सेक्शन सारे आ जाएंगे। जब ये सेक्शन आएंगे, एक एक लकीर का सेक्शन है, आपको अपने हुकूक तो पता चल जाए कि आपके पास है क्या हुकूक। जो 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 वो हुकूक मैं हासिल करना चाह रहा था, जिसका शिकार मैं हो गया, मैं तो नहीं डर रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे पता तो है मेरे हुकूक है, मुझे पता तो है आर्टिकल 19 है। और आपको मालूम नहीं होगा, मुझे मालूम तो है ना, मैं अदालत में ये बात करनी है कि भाई मुझे 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 वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने कानून आईन में लिखा हुआ है 19 का, तो वो उसके इजहार में नहीं करूंगा, और मैं बिल्कुल करूंगा और बार बार करूंगा और हर पाकिस्तानी को करने चाहिए। सवाल ये है कि आपको कानून का पता होगा तो आप उसके लिए फाइट कर सकोगे। आपको पता ही नहीं कानून का, और कानून की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोग इंतहाई गलत काम करते हैं, इंतहाई कानून हाथ में लेते हैं। जब आपको कानून का पता हो, मिसाल के तौर पे एक वकील है, वकील को पता है कि मैंने क्या काम करना है और क्या मेरे खिलाफ एफ आई आर कर दी। इसी तरह एक डॉक्टर को पता है कि मैंने क्या खुराक, क्या बेहतियाती करनी है, क्या मेरे सेहत के लिए कौन से बेहतर है। एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जाता है। इसी तरह अगर एक पाकिस्तानी को पता हो कि कानून के अंदर मेरे क्या इख्तियार है, मेरे क्या क्या हकूक है, तो उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, वो बेहतर तरीके से माशरे को और अपने आप को डिफेंड कर सकता है। मुल्क साहब, ट्रांसजेंडर्स के हकूक के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ हम मर्दों के हकूक की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ हम औरतों के हकूक की भी बात करते हैं, तो वो भी बीच में पिस रहे होते हैं कि उनके हकूक का क्या। अभी हमारे पास एक कॉल आई थी, वो शो में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन वो कॉल प्रोड्यूसर साहब ने ली और वो आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप उनके हकूक के बारे में। देखिए, उनकी हकूक ये है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है और उनके शनाख्ती कार्ड बनने शुरू हो गए। नंबर एक बात, अगर उस कॉलर को नहीं पता है या जिसने नाम नहीं बताया, उसको पता होना चाहिए कि आपके शनाख्ती कार्ड बनना शुरू हो गए, बाकायदा सरकारी महकमों में नौकरियां मुख्तस होना शुरू हो गई है। आपके वही हकूक है जो एक पाकिस्तानी का है, आपके वही हकूक है जो एक मर्द एक खातून का हकूक है। नौकरियाँ उसके लिए भी कोटा मुख्तस हुआ है, शनाख्ती कार्ड आपके लिए वो भी है, मगर उसके बावजूद आपको अगर कोई मुश्किल हो तो आप बिजनेस प्लस के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और हम इसकी इंशाल्लाह आपके हकूक के लिए पहले भी लड़े हैं, पहले भी बात की और आइंदा भी करेंगे। तो आपको वही हकूक, में रिपीट करूँ अपनी बात को, जो एक पाकिस्तानी को असूल है वही आपके हकूक है। बहुत शुक्रिया मंदोखिल साहब। नाजरीन, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं insaf@businessplustv.pk। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ। तब तक मुझे और मंदोखिल साहब को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।